हेलो फ्रेंड्स, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। कल आप लोग खूब मस्ती किए ना, इसीलिए आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, ताकि मस्ती में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए, अब बहुत सारी मस्तियाँ हो गई, अब पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग एम्स पैरामेडिकल फॉर्म डाल दिए कि नहीं डाले हैं? अगर नहीं डाले तो जल्द से डाल लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आने वाला है। ठीक, और एम्स पैरामेडिकल पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के 11th क्लास बायोलॉजी के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो जी1 फेज से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेल साइकिल का प्रिपरेशन यहीं से करना होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक, हो जाएगा आपको डी, पैकेटिन। ठीक, पैकेटिन क्यों होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे मिलता है क्रॉसिंग ओवर करता है, तो ओवरलेप जो होता है उसे ही सिनेप्सिस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर है, स्पेंडल फाइबर आर मेड अप। स्पेंडल फाइबर जो होता है ट्यूबलिन और आरएनए का बना होता है। ट्यूबलिन जो होता है आपका वो 97% होता है, और आरएनए जो होता है वो 3% होता है। ठीक, चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। क्रोमोसोम किस फेज में सेपरेट होता है? तो वो एना फेज है, एना फेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, और वो बाइवैलेंट के रूप में होता है। देखते हैं इंड और इंड जो वो ओवरलैप करता है, तो उसे क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर्स इन। सेंट्रियोल का जो रिप्लिकेशन होता है, मतलब दोनों अलग अलग पोल पे जाने के लिए जो तैयार होता है, वो होता है मेटाफेज में। ठीक, देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, कोल्चिसिन एरेस्टेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। कोल्चिसिन जो है वो आपको मेटाफेज में होता है, एरेस्टेड। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग। सेल प्लेट, आपको पता होगा कि सेल प्लेट जो होता है वो साइटोकिनेसिस बनता है। चलिए दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नंबर क्वेश्चन है, वी शेप्ड क्रोमोसोम फाउंड इन। वी शेप क्रोमोसोम जो होता है वो आपको किस फेज में होगा? एना फेज में, वही ना, स्पिंडल फाइबर खींचने लगता है सेंट्रियोल की ओर, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, एना फेज। चलिए दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर जो होता है प्रोफेज के पैकेटिंग फेज जो होता है वहाँ पर जाकर के क्रॉसिंग ओवर करता है, तो क्या हो जाएगा? बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीप्लॉइड कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। पॉलीप्लॉइड जो होता है वो कोल्चिसिन के द्वारा इंड्यूस्ड किया जाता है। जब जैसे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो बोलते हैं ना इसमें दवाई दिया जाता है, वो दवाई क्या रहता है? सेल डिवीजन करवाने के लिए वो दवाई दिलवाया जाता है। सेल डिवीजन क्या है? ग्रो करना, ग्रो ही सेल डिवीजन है। क्या हो जाएगा? डी, 11 के डी। 12 नंबर देखते हैं, क्रोमोसोम आर अरेंज अलोंग इक्वेटर ड्यूरिंग। क्रोमोसोम कब इक्वेटर पॉइंट पर, किस फेज में इक्वेटर पॉइंट पर अरेंज होता है? तो वो आपको हो जाएगा मेटाफेज। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फेज कम्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज। G1 और G2 फेज के बीच में एक G0 फेज आता है, जहाँ पर सेल एक आर पॉइंट होता है, अगर उसको क्रॉस कर लिया तो G2 फेज में चला जाएगा, अगर नहीं क्रॉस किया तो वो G0 फेज में चला जाएगा। और जो सेल G0 फेज में चला गया वो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेगा, वो मतलब
इनएक्टिव हो जाएगा, वैसे के वैसे रह जाएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा ए जी नॉट फेज। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस्टमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। किस्टमाटा जो है वो आपको किस फेज में मिलेगा, प्रोफेज में। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट बोलिए। और यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग जो होगा पैकेटिन फेज में जा करके, तो वहीं किस्टमाटा बोला जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए माइटोसिस इज शोन बाय, ए माइटोसिस जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रिप्लिकेशन जो होगा वो एस फेज में होगा। ठीक, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक किस मतलब कहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर होने लगता है, तो वो होता है सिनेप्सिस जब होता है उसी समय क्रोमोसोम पेयर होने लगता है। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी सीन, होमोलोगस क्रोमोसोम कब होगा, अभी इससे पहले बताया सिनेप्सिस बोला था उसको, कब होगा वो पैकेटिन के समय में होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सेल साइकिल ऑफ जर्मिनल सेल, सेल साइकिल जर्मिनल सेल का क्या होता है, तो वहाँ पर वन रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, छिप गया थोड़ा, दिखा दे रहा हूँ, बाय वन माइटोटिक डिवीजन, तभी ना करके 23 क्रोमोसोम जो बचते हैं सर डी। चलिए 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम देयर विल बी फेल्योर ऑफ क्रोमेटिड्स, दिस इवेंट इज कॉल्ड, डिवीजन के टाइम कई बार होता है ना कि सेल डिवीजन हो रहा है लेकिन फेल्योर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नन डिसजंक्शन, जिस पॉइंट पर आकर के क्रोमेटिड मतलब होता है कि नहीं इक्वेटर पर नहीं जाएगा, इधर उधर हो जाता है या फाइबर टूट जाता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, तो फेल्योर हो जाता है सेल साइकिल। 20 का हो जाएगा डी। 21 का, इन द सेल साइकिल डीएनए सिंथेसाइज टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसाइज बोले या रिप्लिकेशन बोले, दोनों एस फेज में होता है, इसलिए हम दो बार क्वेश्चन डाले क्योंकि दो टाइप से पूछा, रेप्लिकेशन भी पूछ सकते हैं और सिंथेसाइज भी, इसलिए एस फेज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूसिस आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल, मतलब म्यूसिस के बाद जो डॉटर सेल बनता है पेरेंट सेल जैसे नहीं दिखता, क्यों, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्रोसिंग क्रोमसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, इसी कारण से सेम नहीं दिखेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग म्यूसिस किस्टमाटा आर अब्जॉर्ब्ड एट, किस्टमाटा कहाँ बनेगा, देखिए किस्टमाटा से बार बार क्वेश्चन पूछा रहा है घुमा फिरा के पैकेटिन फेज के लिए, तो इसको आप ज़्यादा ही याद रखिएगा, पैकेटिन होगा ये। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, देखिए फिर घुमा के क्वेश्चन पूछा, क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो किस फेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के किस फेज, पैकेटिन फेज में जा करके होता है, ये हो जाएगा। चलिए 27, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सेल से 128 सेल बनने में माइटोटिक डिवीजन, कितना माइटोटिक डिवीजन होगा ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप लोग बताएंगे और कमेंट में बताएंगे और फास्ट बताएंगे, कल मैं इसका आंसर देने वाला, 24 घंटा बाद मैं इसका आंसर दूंगा, तो अभी आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे, कितना माइटोटिक डिवीजन होगा कि एक सेल से 128 सेल बन जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैरियोकिनेसिस इंक्लूड डिवीजन ऑफ, कैरियोकिनेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और साइटोकिनेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो क्या हो जाएगा बी नंबर, न्यूक्लियस। 29 नंबर है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग, क्या होता है, तो इस प्रोफेज में जो होता है ना, प्रोफेज फर्स्ट में जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक्सचेंज होता है, क्या हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, रिडक्शन डिवीजन अकर्स टू प्रोड्यूस
रिडक्शन डिवीजन अकर्स टू प्रोड्यूस, रिडक्शन डिवीजन किस में होगा बताइए बताइए, गैमिट। ठीक वहीं पढ़ना होता है। बी 31 नंबर, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वन कैन फाइंड इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म वही जो है गैमिट जो बनता है बाद में, तो ह्यूमन स्पर्म जो है वो कितना क्रोमोसोम उस पे रहता है, एन हो जाता है ना, 2n से एन हो जाता है, तो उसमें कितना क्रोमोसोम रहता है, 23। 46 रहता है ना टोटल, 46/2 की जीत कितना, 23। तो दोस्तों हमने आज 31 क्वेश्चन देखे सेल डिवीजन से, तो इस तरह अगर इतना आप कर लेते हैं सेल चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चुन चुन करके दिया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब तो लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर वीडियो को पॉज कर करके दे और फिर मिलाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लिए बनाता हूँ, उससे लाइक से मैं मोटिवेट होता है कि नहीं मतलब पसंद आ रहा है और इस पे काम करूँ मैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लो क्योंकि पैरामेडिकल आपको करना है और नंबर 1 कॉलेज लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही।